सो हेलो दोस्तों, तो यार जब भी मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ तो कोई बंदा या बंदी मेरा नाम देखकर मुझे मार्वल का फैन समझने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है यार, मेरे नाम में जरूर मार्वल है लेकिन मैं डीसी का भी उतना ही बड़ा फैन हूँ। लेकिन फिर भी लोगों को ये बात समझ में नहीं आती और पता नहीं कमेंट में मार्वल का 14 क्यों लिखते हैं। और अब तो डीसी में जेम्स गन भी आ चुके हैं तो अब तो बवाल होने वाला है डीसी में भी। तो चलिए यार, बिना किसी देरी के मार्वल और डीसी का कंपैरिजन करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको क्या लगता है वो आप कमेंट में बताना। तो देखो यार, सबसे पहले बात करेंगे दोनों की ओरिजिन की, मतलब कि दोनों यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई। तो पहले बात करें एमसीयू की, तो एमसीयू की सबसे पहली मूवी आई थी आयरन मैन, वो भी 2008 में। और डीसी की सबसे पहली मूवी आई इसके 5 साल बाद, यानी कि 2013 में, मैन ऑफ स्टील। तो पहली बात तो मार्वल को यहीं से 5 साल का एडवांटेज मिल गया, मतलब कि वो वैसे ही 5 साल आगे था डीसीयू से। और मार्वल की दूसरी बात ये कि मार्वल ने अपने कैरेक्टर को काफी अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस किया, मतलब कि 2011 तक मार्वल अपने 4 कैरेक्टर का सोलो मूवी पहले ही निकाल चुका था, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, इनक्रेडिबल हल्क और थॉर, इन चारों के ऊपर। और मार्वल ने आयरन मैन 2 में ब्लैक विडो को भी बता दिया था और थॉर मूवी में हॉकाय को। लेकिन तब तक हमें मार्वल के प्लान का कोई अता पता नहीं था, हमको नहीं पता था कि मार्वल करना क्या चाहता है। लेकिन फिर 2012 में मार्वल ने अनाउंस की द एवेंजर्स। डीसी अपना पहला प्रोजेक्ट लाया 2013 में मैन ऑफ स्टील के साथ, और फिर सुपरमैन वर्सेस बैटमैन, और फिर आई वंडर वुमन। तो यहाँ पर डीसी भी अपने 3 कैरेक्टर इंट्रोड्यूस तो कर चुका था लेकिन 3 अभी और बाकी थे, जो कि मुझे लगता है कि यही थी डीसी की सबसे बड़ी गलती, जो कि उसने अपने 3 मेन कैरेक्टर को ऐसे ही जस्टिस लीग में इंट्रोड्यूस करा दिया। जबकि मार्वल ने द एवेंजर्स के पहले हर एक कैरेक्टर को एक सोलो मूवी दी है और उन्हें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो डीसी की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने अपने कैरेक्टर्स को टाइम नहीं दिया, लेकिन मार्वल ने ऐसा नहीं किया, मार्वल ने अपने कैरेक्टर्स को फुल टाइम दिया। इसी कारण से मार्वल डीसी से एक और बार आगे निकल गया था उस टाइम पर। और इसके बाद 2013 और 14 में मार्वल के बहुत बड़े प्रोजेक्ट आए। लेकिन मार्वल का डाउनफॉल चालू हुआ 2015 में एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद। तब मार्वल को रियलाइज हुआ कि एज ऑफ अल्ट्रॉन, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो उसकी पहली पिक्चर यानी कि द एवेंजर्स को भी बीट नहीं कर पाया कलेक्शन के मामले में। लेकिन मार्वल यहाँ पर रुका नहीं, मार्वल ने 2016 में कैप्टन मार्वल, फार फ्रॉम होम और ब्लैक पैंथर जैसे बड़े प्रोजेक्ट निकाले। लेकिन मार्वल का पिक तब आया जब मार्वल ने अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया, नहीं एंड गेम नहीं, सिविल वॉर। और इस बात को तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि मार्वल का सबसे बड़ा फैन बेस सिविल वॉर के बाद ही बना था, मतलब कि ये मूवी नॉर्मल कहीं से नहीं थी, मतलब कि सुपर हीरोज और सुपर विलन वाला कॉन्सेप्ट इसमें था ही नहीं, इसमें था सुपर हीरोज वर्सेस सुपर हीरो, जो कि लोगों को देखने में काफी यूनिक लगा। और सबसे ज्यादा मजा तो आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका देखने में आया। और सिविल वॉर की सक्सेस के बाद मार्वल ने उसका डूबता हुआ एक और प्रोजेक्ट अनाउंस किया, यानी कि थॉर रैग्नारोक। और उसने क्या कमाल किया ये मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं, मतलब कि मूवी उसके प्रीक्वल से बिल्कुल ही अलग थी, मूवी की टोन बिल्कुल कॉमेडी और बिल्कुल कलरफुल थी। और इस मूवी के इवेंट्स के बारे में तो क्या ही कहूं, हेला ने थॉर का हैमर तोड़ दिया, एसगार्ड तबाह हो गया और फाइनली थॉर गॉड ऑफ हैमर से थॉर गॉड ऑफ थंडर बन गया। जब मार्वल अपने इतने बेहतर प्रोजेक्ट निकाल रहा था तब डीसी कहां पर था। लेकिन ऐसा नहीं है, डीसी ने भी 2017 में एक मूवी निकाली थी जस्टिस लीग, जिसने क्या कमाल करा वो हम बात करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा, तो यार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।